क्या नाम है आपका? हरियाद। आप यहाँ मतलब ये सांसद खेल महाकुंभ में आए, क्या मतलब क्या कर रहे हैं? सांसद कुंभ में बुलाया गया है कमल भैया ने, स्टैंड वाले ने। हाँ, ये फील्ड में बंदर आते हैं, खासकर योगीनाथ भैया लोग आ रहे थे, योगी भैया आ रहे थे, मतलब परेशानी ना हो किसी चीज़ को, आराम से खेल हो सके। उन बंदरों का क्या काम? बंदरों का काम यही है कि यहाँ लाल बंदर आते हैं, उनको ये यहाँ पे ये रहते हैं तो ये सुरक्षा करते हैं फील्ड में रह के, उनको खाना पीना रोटी पानी सब मिलता है। अच्छा, तो इनका भी कुछ वेतन बनता है बंदरों का? हाँ, इनको खिलाते पिलाते हैं, जिम्मेदारी हमारे इनके अंदर। अच्छा, पैसा वैसा कितना मिल जाता है? हम तो 500 रुपये लेते हैं, कहीं वो लंबर दे देते हैं, कहीं आता है कॉन्टेक्ट तो चले जाते हैं। अच्छा, तो कितने सालों से काम कर रहे हैं? ये हो गया होगा 15-16 साल को। अच्छा, यहाँ लाल बंदरों का आतंक था, तो आप लोग किस तरह मैनेज किए हैं खेल ताकि अच्छे से रहे? जी, आप ये देख रहे हैं, ये हमारे मंगल जी हैं, उनकी पूरी टीम है, और जो इस टेंट के मालिक हैं कमल सेन जी, उन्होंने ये जो आप देख रहे होंगे पूरे ग्राउंड में जो सीलिंग लगी हुई है टेंट की, लाल बंदर इसको फाड़ देते थे, और जब से ये मंगल की पूरी टीम आई हुई है तब से यहाँ सुरक्षित है, और लाल बंदर यहाँ देखेंगे आप दूर दूर तक कहीं इनका नामो निशान नहीं है, और खेल सुचारू रूप से हो रहा है, नहीं तो अब तक वो स्टेडियम में भी दौड़ना चालू कर देते, बच्चों का जो टिफिन उफिन रहता उसको भी छीन के सब भाग जाते थे, लेकिन जब से खेल स्टार्ट हुआ है इन बंदरों के आने से, मंगल की टीम जो लंगूर हैं आने से, लाल बंदर यहाँ दिखाई नहीं दे रहे हैं, खेल जो है सुचारू रूप से चल रहा है। आज सांसद कुंभ का उत्कल समापन है, आज क्या क्या कार्यक्रम है, किस तरीके? देखिए, सारी प्रतियोगिताओं का समापन आज हो जाएगा जी। आज कबड्डी की प्रतियोगिताएं हुई हैं, फाइनल वॉलीबॉल चल रहा है, और शाम को काव्य गीत डांस और भाषण प्रतियोगिता का फाइनल है। तो आज सारी जितनी प्रतियोगिताएं हमने आयोजित की थी, जितने खेल आयोजित किए गए थे, उनका सब समापन आज होगा, और कल उसका पुरस्कार वितरण होगा। 11 बजे से हमने बुलाया है, 12 बजे से 4 बजे तक पुरस्कार वितरण होगा, और फिर शाम को हमारे देश के माने जाने कवि कुमार विश्वास जी का कार्यक्रम होगा। पुरस्कार वितरण के मुख्य अतिथि वर्चुअल दृष्टि से हमारे देश के खेल एवं युवा मामलों के मंत्री अनुराग ठाकुर जी होंगे, विशिष्ट अतिथि हमारे उत्तर प्रदेश के खेल मंत्री उपेंद्र तिवारी जी होंगे, और सभी जिले के हमारे संबंधित गणमान्य जन वहाँ उपस्थित रहेंगे। सांसद जी, कुछ खिलाड़ियों का ऐसा चयन हुआ जो आगे स्टेट लेवल पे इस तरह का खेल? अलग अलग खेलों में जो लोग विजयी हुए हैं, उसके अलावा स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के हमारे अधिकारी आए थे यहाँ पर, एक हफ्ता थे, और उन्होंने अलग अलग खेलों में 10 लोगों को चयन किया, उनका नाम आज वो हमको भेजेंगे। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि बस्ती के लिए है कि भारत सरकार ने 10 खिलाड़ियों को बस्ती से चयन किया है, जिनको स्टेट लेवल पर, राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खिलाने की व्यवस्था और सारी सुविधा देने का काम।